जी को और आप उनको राय दिया कि थोड़ा सा वजन कम करिए, सुमंत सर मत बनिए, है ना, सुमंत सर मत बनिए, आपको डॉक्टर आशीष शर्मा बनना है, क्योंकि जब पेशेंट आएगा तो आप कहेंगे कि वजन कम करिए, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब अपना कम कर लीजिए पहले। तो ये तो केवल हंसी की बातें हैं, हंसने के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी इन्होंने बहुत मेहनत की और इस मुकाम पर पहुँचे, 610 नंबर इनके आए हैं आशीष के, OBC कैटेगरी में हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, सेम इनको मिल जाएगा, आराम से खा लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा वैसे भी मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के बाद जो है, आप जब मोतीलाल पाते हैं तो यहाँ जब मैं टहलने कभी जाता हूँ, पहले तो रेगुलर जाता था, तो मुझे मेडिकल कॉलेज के बहुत बच्चे मिल जाते थे टहलते हुए, और कुछ बच्चियाँ मुझे वो दौड़ते हुए दिखती थी, इतना फिटनेस पर ध्यान देती थी वो। तो बच्चे बच्चियाँ टहलते रहते हैं, मोतीलाल जिसको मिलता है, निखिले साहब भी जाते होंगे, वो बगल में है उनके, हाँ कंपनी बाग, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, वो अपने हॉस्टल उनका पिछला वो गेट से निकल जाना है बगल में। तो हाँ, तो अभी निखिलेश से भी मैं मिलवाऊंगा, निखिलेश इनका 2021 में सिलेक्शन है, हमारे विद्यार्थी रहे हैं। तो पहले आशीष, आप सोनभद्र के हैं? सिद्धार्थनगर के आशीष हैं। और पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा भी एक्सपायर कर गए थे जब मैं तैयारी में आया था, तभी पापा नहीं हैं, देखिए, है ना, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन इन्होंने अपना जो लक्ष्य बनाया था उसको पूरा किया। मम्मी क्या करती हैं? आंगनबाड़ी में है मेरी मम्मी, आंगनबाड़ी में मम्मी हैं, है ना। और बच्चे ने जो है अब MBBS करना है इनको, और कैसे तैयारी की, और पांडे क्लासेस ने आपकी कैसे मदद की? टीचर तो बहुत मेहनत करते रहते हैं, हम बार बार कहते हैं हम सबसे कम फीस पर सबसे अच्छी पढ़ाई देते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने तो सिलेक्शन लिया। जी सर, हम भी यही सोचते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मैंने देखा बॉस आए हमारे तो क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, सबसे बड़ी गलती तो यही है, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पूछना ही चाहिए सर, चाहे बॉस आए टीचर है, आपके अंदर डाउट ही नहीं है तो आप स्टूडेंट ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है, कोई ना कोई डाउट होना ही चाहिए। और आपके पास डाउट नहीं तो स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट के अंदर डाउट सबसे बड़ी चीज़ है, होना चाहिए क्यूरियोसिटी उसके अंदर जानने की। और मैं और अर्पित बैचमेट ही थे, BMS कर रहे थे साथ में, हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। पिछली बार मेरे 590 नंबर थे, इस बार 610 हैं, वो भी गलती से, क्योंकि मैंने मिस्टेक की उसमें। और इन लोग, आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी कि जब डाउट नहीं तो विद्यार्थी कहाँ आए, उसे डाउट तो टीचर को भी रहता है, वो भी पढ़ता रहता है, पढ़ के ही पढ़ाता है सर, पढ़ना तो जिंदगी भर, सीखना तो जिंदगी भर है ना। बिल्कुल। और कोचिंग के बाद कितना पढ़ेंगे ये लोग? सर कोचिंग के बाद मैं इनको बताता हूँ, पहले मैं दुबला था, इतना मोटा नहीं था, पहले दुबले थे, इतना मोटे नहीं थे। हाँ, वो क्या थे कि मैं रात भर पढ़ता था, रात को चने भिगाता था, और रात में पढ़ने बैठता था, सुबह खा के सोता था, तो बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी डिस्टर्ब कर ली थी, और 3 महीने तो मैंने सुबह के सूरज नहीं देखे थे, और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बहुत बुरा लगा था मुझे, तो ये सब हो जाता है तैयारी करते टाइम, और पतले हो जाएंगे, उसके इसकी चिंता की बात नहीं, होता मजाक के लिए कहता हूँ जी, मैं तो अपने लिए भी कहता रहता। नहीं नहीं, और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब में कई बच्चे मुझसे भी अच्छे हैं, इतना मैं जानता हूँ, तो एक बार ताली अपने लिए बजा दीजिए आप लोग, अपने लिए ताली बजा दीजिए। कई बार होता है सर, बच्चे हम लोग से भी अच्छे हैं इसमें, जो थोड़ी बहुत गलती की वजह से नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग उदास मत होइए, होता जरूर है सबका, अगर आप नहीं छोड़ रहे तो। और एक बात और सबसे कहना चाहूँगा, कमरे में किताबें जितनी कम होंगी सिलेक्शन उतनी जल्दी होगा, तो अदर मटेरियल एकदम हटा दीजिए। कंधे पर किताबें जितनी ही कम होंगी सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा, यानी क्लास, मैं तो कहता हूँ कि जैसे बायोलॉजी है, इनारिड केमिस्ट्री है, सर पढ़ाते हैं क्लास में, तो वहीं डाउट ख़त्म कर लीजिए, ताकि वो टाइम जो बचता आप फिजिक्स, घर में फिजिक्स को दीजिए, अब फिर बायोलॉजी को डाउट अगर रह जाता तो फिजिक्स में तो डाउट ही रहेगा, तो वो वहीं ख़त्म करिए। और NCERT और टेस्ट कोचिंग मटेरियल जो भी मिलता है उसके अलावा सिंगल बुक मत खरीदिए, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि जो दिया जा रहा है वही नहीं हो रहा है, तो दूसरी खरीद के फ़ायदा क्या है, रख देंगे खाली। सही बात है, वही सर कह रहा, किताबें जितनी कम हो सिलेक्शन उतनी जल्दी होता है। और हाँ, कॉपी 3 कॉपियाँ बनाइए आप लोग, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए, टेस्ट में जितनी गलतियाँ हो रही है चैप्टर वाइज, जितने डाटा हैं
और इनऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन और चैप्टर वाइज फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फार्मूले उसमें होने चाहिए, ताकि रिवीजन टाइम फुल लेंथ टेस्ट जितने भी होते हैं रिवीजन नहीं हो पाता उतनी जल्दी पूरी कॉपी का, ताकि उससे करके आप आसानी से कर ले। और फिजिक्स फिजिक्स में प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करिए, मैं तो पेन से करता था, हाथ दब जाते थे, बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन नंबर फिर भी नहीं आए इस बार, और इसके पहले ज़्यादा अच्छे आए थे क्योंकि मैंने बबल गलत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात, सिलेक्शन तो हो रहा है, आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, पीजी के लिए हम लोग पहले से शुभकामनाएं हैं पांडे क्लासेस से। थैंक यू, थैंक यू बेटा। अब देखिए